ठाकुर हो, मैं सब बिरादरी के लोगों से कहना चाहता हूं, किसान तो सब है, ब्राह्मण मजदूरी तो है, मजदूरी करने वाले लोग तो है। और अगर पिछड़ों से सबसे कहना चाहता हूं, छत्तीस ब्रदर्स कहना चाहता हूं, आपके दरवाजे पर चलकर ये मौका आया है। मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता कि किसने क्या बोला पहले, आप तो बस वो याद रखिए बातें। जब थाने में पहुंचते हो तो आपका अपमान होकर आता है, तहसील में जाते हो तो दलाली के अड्डे बन गए, छोटे से छोटे जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अगर उसको खत्म नहीं करने का मन है तो बात अलग है, नहीं तो इकट्ठे हो जाओ, एकजुट हो जाओ। मैं विशेष रूप से, क्योंकि जात की बात चलती है, हमेशा लोग जात की बात करते हैं, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो अपनी जात से प्यार ना करता, लेकिन जब जिम्मेदारी आती है तो फिर सबकी आपको सम्मान करना पड़ता है, साथ देना पड़ता है। मैं विशेष रूप से अपने दूसरे समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं, अरे उस क्रांतिकारी इतिहास को जानिए, लोगों ने लड़ लड़कर अपनी शहादत दी, ये मेरठ जिला, इस आसपास की पूरी धरती, अगर हर गांव का इतिहास निकालोगे तो एक आपको कुर्बानी देने वाला नहीं, आपको सैकड़ों कुर्बानियां मिल जाएंगी। ये पश्चिम की धरती जिन्हें इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज किया, ये ऐसी धरती जिसने वीर शहीद हंस सिंह को, तार गुजर को जन्म दिया। मैं आपसे कहना चाहता कि निकलो भाइयों और किसानों, नौजवानों और मजदूरों को साथ ले लो, अगड़ों को साथ ले लो, और जो ये कॉम्बिनेशन हमारे चैन चौधरी जी ने बनाया है, इसको साथ लेकर चलो। अगर भविष्य की रूपरेखा तैयार करनी है, भविष्य को बनाना है, सामाजिक और राजनीतिक रूप से लोगों को जोड़ना है, तो आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, आपके पास और कोई दूसरा चारा नहीं है। अभी लालच दिया जाएगा, डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, पुलिस का प्रेशर आएगा, लोगों को पैसे की बात की जाएगी, लालच की बात की जाएगी, लेकिन फिर याद करना अपना वो इतिहास जो हमारे पूर्वजों ने देश के लिए कुर्बानियां दी, उस इतिहास को याद करना और निकल पड़ना, निकल के चलना। अगर मदद ना किए होते तो अतुल प्रधान तीसरी बार में जीता है, अगर मदद ना किए होते तो तीसरी बार में भी मौका शायद ना आता। मेहनत की आपके इस सपनों ने, टिटोड़ा हो, पिटोड़ा हो, कतराड़ा हो, चांद संबंध हो, और यहां से लेकर पार कर जाइए मंसूरपुर तक, ऐसी कोई जात नहीं, ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसने आपने हर जगह मदद ना कर दी हो। इसलिए साथ लेने का काम करना,